हाल ही में ग्रो ने जीरोधा को नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स में ओवरटेक कर लिया है। शेयर बाजार की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी जीरोधा को बड़ा झटका लगा है। जीरोधा से नंबर वन ब्रोकरेज कंपनी का तमगा छिन गया है। For now, ग्रो unseated जीरोधा as India's top broker in September. As per data from NSE, ग्रो had a 6.63 million strong active investor base, while जीरोधा stood at 6.48 million. जीरोधा को स्टार्ट हुए 14 साल हुए हैं और ग्रो को सिर्फ 8 साल, बट सवाल ये उठता है कि ग्रो के नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स बढ़े कैसे और इतनी पुरानी बूटस्ट्रैप कंपनी को पीछे किया कैसे। ग्रो ने इतने कम टाइम पे ऐसा करने के लिए किया क्या और इन दोनों कंपनीज में से किसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और इनका फ्यूचर प्लान क्या है, इन सबको जानने से पहले हम इनकी हिस्ट्री जानेंगे। जीरोधा को स्टार्ट कामत ब्रदर्स ने 2010 में किया था। इनका मेन मोटिव था ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जहां 2010 में सिर्फ 17 मिलियन लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और आज ये नंबर बढ़ के 80 मिलियन हो गया है। 2023 में 11 करोड़ लोगों ने डीमार्ट अकाउंट खुलवाए। इन नंबर्स को देख के हम इजीली कह सकते हैं कि लास्ट 10 साल में इंडिया हैज सीन मैसिव ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट। इस ग्रोथ के दौरान ग्रो ने देखा कि इंडिया में 25 साल से ज्यादा एज वाले इजिली इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट इंडिया एक यूथ कंट्री है और मोस्ट ऑफ देम आर बिटवीन 18-25 एज। ये यूथ या तो इन्वेस्ट नहीं करते हैं या फिर वो स्टार्ट करके उसे बीच में ही छोड़ देते हैं और इसी चीज को देखते हुए ग्रो स्टार्ट हुआ। दोनों कंपनीज अलग अलग मोटिव से चालू हुए पर इनका गोल एक ही था कि हर एक इंडियन के लिए इन्वेस्टिंग आसान हो जाए। पर आज ग्रो के पास 66.28 लाख एक्टिव यूजर्स है विद 19.9% मार्केट शेयर और जीरोधा के पास 64.7 लाख एक्टिव यूजर्स है विद 19.4% मार्केट शेयर। सो अब क्वेश्चन आता है कि ग्रो ने ऐसा किया क्या इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए। ग्रो को दो चीजों से बहुत ही फायदा हुआ, पहला है इंटरनेट रेवोल्यूशन, दूसरा है कोविड। अगर आप ये टाइम देखो तो आपको पता चलेगा कि जियो के आने के ठीक एक साल बाद ग्रो स्टार्ट हुआ था और हम सबको पता है कि जियो ने इंडिया में क्या इंटरनेट रेवोल्यूशन लाया। 2016 में इंडिया में 317 मिलियन इंटरनेट यूजर थे जो आज डबल हो गए हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ग्रो के पास अच्छे खासे यूजर्स थे पर उन्होंने यंग पॉपुलेशन को टारगेट किया जो इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे थे एंड ऐसा ऐप बनाया जिसका यूजर इंटरफेस काफी फ्रेंडली था जो लोगों को बहुत पसंद आया। और इन सब चीजों का फायदा इन्हें तब हुआ जब कोविड आया, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोग फ्री थे और वो काफी इंटरनेट यूज कर रहे थे और इंटरनेट के कारण ही इन्हें काफी अवेयरनेस मिली अबाउट इन्वेस्टिंग। इसके बाद इंडिया सो ट्रेमेंडस ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट। एक क्वेश्चन यहाँ उठता है कि जीरोधा ने ऐसा किया क्यों नहीं, ये तो एक बड़ी और पुरानी कंपनी है, इन्हें भी टारगेट करना चाहिए था नए यूजर्स को। पर ऐसा इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जीरोधा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैच्योर्ड यूजर्स आते हैं। इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काफी कम्प्लेक्स है एक नए यूजर्स के लिए, वहीं ग्रो के एप्स और वेबसाइट काफी इजी है हर एक यूजर्स के लिए। अगर हम ग्रो और जीरोधा के वेबसाइट को देखें तो ग्रो काफी इजी एक्सेसिबल है और यूजर फ्रेंडली है, वहीं जीरोधा हैज अ मैच्योर्ड यूआई एंड मैच्योर्ड कस्टमर्स जो काफी सालों से ट्रेडिंग करते हैं। इसी के कारण जीरोधा हर एक नए यूजर से अकाउंट ओपनिंग के लिए 200 रुपए चार्ज करता है और ये चीज इन्हें पता है कि इनके कस्टमर एक नॉमिनल फी पे कर सकते हैं। सेकेंडली, जीरोधा के पास डिफरेंट एप्स है डिफरेंट यूज केसेस के लिए, जैसे ट्रेडिंग के लिए काइट, म्यूचुअल फंड के लिए क्वाइन और एजुकेशन पर्पस के लिए वर्सिटी। हमें भी ऐसा लगता है कि जीरोधा का ये स्मार्ट मूव है क्योंकि अगर हम इनका डेटा देखें तो इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्यूचर एंड ऑप्शन से आता है एंड जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो हमेशा एक स्मूथ फ्लो चाहते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। सो अलग अलग ऐप रहने से ये चीज पॉसिबल है। अभी तक हमने इन दोनों कंपनीज के यूजर्स और एप्स के बारे में जाना है, अब हम इनके फाइनेंस के बारे में जानेंगे। आप सब जानते हैं कि जीरोधा एक बूटस्ट्रैप कंपनी है जिसका मतलब हुआ कि इसने एक भी पैसा रेज नहीं किया है किसी इन्वेस्टर से, पर ये एडवांटेज ग्रो को नहीं है। ग्रो ने अभी तक 393.3 मिलियन डॉलर रेज कर लिया है एंड अभी भी ये पैसा बर्न कर रहे हैं कस्टमर्स एक्वायर करने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीरोधा का रेवेन्यू 6785 करोड़ था जो ईयर ऑन ईयर 35.5% बढ़ा है और इनका प्रॉफिट 2907 करोड़ था। वहीं दूसरी साइड ग्रो का रेवेन्यू देखे तो 1294 करोड़ था जो ईयर ऑन ईयर 300% से बढ़ा है और इनका प्रॉफिट 73 करोड़ हुआ है। अगर हम इनका ग्रोथ देखे तो ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों का डेटा देखे तो हमें पता चलता है कि जीरोधा बहुत बहुत ऊपर है, इसलिए अगर हम इनका फ्यूचर देखे तो जीरोधा के पास ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और इनके पास पैसा भर भर के है। पर वहीं ग्रो को फ्यूचर में कुछ अलग ट्राई करना हो तो इन्हें अपने इन्वेस्टर से पूछना पड़ेगा। चलिए अब हम इनके फ्यूचर प्लान्स देखते हैं। रिसेंटली लास्ट ईयर अक्टूबर में जीरोधा ने म्यूचुअल फंड में एंट्री लिया है जहां पे इन्होंने जीरोधा फंड हाउस खोला है। वहीं दूसरा साइड देखे तो ग्रो एक अलग डायरेक्शन में चल रहा है जहां पे इसने गोल्ड और यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन डाला है एंड अपने प्रेजेंस को टायर 2 और टायर 3 सिटीज में बढ़ाने के लिए रीजनल लैंग्वेज में एप्स ला रहे हैं। सो फाइनली इन सब के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों कंपनीज ग्रो कर रहे हैं बट अलग अलग डायरेक्शन में एंड दोनों एक अलग यूजर को टारगेट कर रहे हैं। हमें लगता है इन दोनों कंपनीज के बीच फ्यूचर में कॉम्पिटिशन पक्का होगा। आपका क्या कहना है इन दोनों कंपनीज के ऊपर और आप कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो कमेंट करके बताओ और ऐसी इनसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।